हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्ना वर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूं एक और इंडो चाइनीज़ रेसिपी, गोभी चिल्ली फ्राइड राइस। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा यम्मी। इसके लिए मैंने लिया है 250 ग्राम गोभी। ये 250 ग्राम है जिसको मैंने काट लिया है। उसके अलावा कुछ हरी मिर्चें, एक प्याज, एक लहसुन, मतलब पूरा लहसुन है जिसको मैंने काट लिया, एक इंच अदरक का टुकड़ा। उसके अलावा ये है चावल, ग्लासी एक ग्लास है, अदरवाइज 250 ग्राम है। सॉसेस में टोमेटो सॉस 2 टीस्पून है, रेड चिली सॉस 1 टीस्पून है, सोया सॉस 2 टीस्पून है, चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून, अजीनोमोटो, कुटी काली मिर्च, शक्कर, नमक और एप्पल साइडर विनेगर। उसके अलावा मैदा 4 टीस्पून है, कॉर्नफ्लोर 2 टीस्पून है और तेल फ्राई करने के लिए और बनाने के लिए। और ये है फूड कलर। फूड कलर कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। सबसे पहले मैं चावलों को धो के भीगने रख दूँगी। चावलों को मैंने भीगने रख दिया था आधे घंटे पहले। उसके बाद मैंने पानी रखा है, पानी में मैंने थोड़ा सा तेल और नमक डाल के इसे बॉईल होने रख दिया। जब तक ये पानी बॉईल होता है हम लोग करते हैं आगे का प्रोसीजर। सबसे पहले मैंने डाला है गोभी। गोभी डाल के मैं बाकी सारी चीज़ें इसमें डालूंगी। आप चाहो तो बेसन जैसे पहले कॉर्नफ्लोर और मैदे का बैटर बना के भी बना सकते हो, बट उसमें मैदा और कॉर्नफ्लोर ज़्यादा लगेगा, इस तरीके से बनाने से कम लगेगा। गोभी लेके, गोभी में मैंने कॉर्नफ्लोर डाला, मैदा डाला है, अब 1/2 टीस्पून अदरक, लहसुन का पेस्ट कलर 2 पिंच जितना और मिर्च पाउडर, नमक। मैं अदरक लहसुन का पेस्ट और मिर्च पाउडर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखाना भूल गई थी। अब मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब उसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स कर रही हूँ। हमें केवल उतना ही पानी डालना है जिससे कि गोभी, कॉर्नफ्लोर और मैदे के बैटर में अच्छे से कोट हो सके। अभी अच्छे से मिक्स हो गया है, आप देख सकते हैं सारा मैदा और कॉर्नफ्लोर गोभी में अच्छे से लग चुका है। अब मैं इनको रख रही हूँ साइड में। हम चेक करते हैं पानी अच्छे से बॉईल हो गया। इसमें मैं भीगे हुए चावलों का पानी निकाल के डाल दी हूँ। चावल को मैंने आधा घंटा भीगने रख दिया था। अभी चावल 80% तक कुक हो गया, मैं इसका पानी निकाल रही हूँ और चावल को अच्छे से छान ले रही हूँ। उसके बाद छन्नी में डालने के तुरंत बाद मैंने इसमें एक ग्लास ठंडा पानी डाल दिया ऊपर से, ताकि चावलों का कुकिंग प्रोसीजर स्टॉप हो सके। हमें चावलों को एकदम ज़्यादा नहीं पकाना है, आगे का जो 20% है उसको हम लोग सॉस के साथ पका लेंगे। अभी मैंने डाला है तेल, यहाँ पे मैंने तिल्ली तेल लिया है, आप जो भी ऑयल खाते हो उसका इस्तेमाल करना। अभी मैं गोभी डाल के इनको अच्छे से गोल्डन ब्राउन या क्रिस्पी होते तक फ्राई करूँगी। रेड कलर है इसलिए पता नहीं चलेगा गोल्डन ब्राउन, इसलिए आप क्रिस्पी होते तक इनको अच्छे से मीडियम हाई फ्लेम पर पलटते हुए फ्राई करना। ये गोभी चिल्ली राइस बहुत जल्दी बनता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। ये बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है, इंडो चाइनीज़ का बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। अब ये अच्छे से फ्राई हो गए, मैं इनको निकाल ले रही हूँ। निकाल के इसी तरीके से मैं सारे गोभियों को फ्राई कर लूँगी। अगर आपके पास राइस पहले से पका हुआ है तो ये गोभी चिल्ली राइस बहुत जल्दी बनता है। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स, टिफ़िन किसी में भी दे सकते हो, ब्रेकफास्ट, डिनर, या आपके घर में कोई छोटी मोटी पार्टी है उसके लिए भी आप बना सकते हो। टेस्ट तो बहुत अच्छा रहेगा और जल्दी बनता है। अब मैंने उस तेल में से थोड़ा सा तेल निकाल लिया था और उसमें मैंने डाला है लहसुन। लहसुन अराउंड 1 टेबलस्पून है। उसके बाद मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा उसको खींच के डाला है। डाल के अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। हमें हाई फ्लेम पे अच्छे से मिक्स करते हुए इसे पकाना है। उसके बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च। हरी मिर्च डाल के भी लगातार भूनना है। हमें इनको एकदम गोल्डन ब्राउन होते तक नहीं पकाना है, मतलब थोड़ा सा कच्चापन जाना चाहिए। जो भी इंडो चाइनीज़ रेसिपी है उसमें वेजिटेबल पूरी तरह से नहीं पकते हैं, आधे कच्चे ही रहते हैं, थोड़े से क्रिस्पी रहते हैं तभी वो अच्छे लगते हैं। अब इनको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी सॉसेस। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटो सॉस जो 2 टीस्पून है, रेड चिली सॉस 1 टीस्पून है, सोया सॉस 2 टीस्पून है, चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून है। इनको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हो तो सॉस थोड़े से बढ़ा भी सकते हो। अब मैंने इसमें डाला है फ्राई किए हुए गोभी। डाल के मैं इनको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि सॉस में गोभी अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये है काली मिर्च कुटी हुई, ये भी 1/2 टीस्पून है। उसके अलावा ये है अजीनोमोटो, ये भी अराउंड 1/2 टीस्पून है। डाल के मैं अच्छे से मिक्स की हूँ। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ 1/4 टीस्पून शक्कर, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। शक्कर डालने से टेस्ट बैलेंस रहता है और अच्छा लगता है। अब मैंने फाइनली इसमें डाला है पके हुए चावल। पके हुए चावल ये मैंने 80% तक कुक किया था, बाकी का 20% हम लोग ये सॉस के साथ पका लेंगे। अब चावल डाल के हाई फ्लेम पे अच्छे से इनको मिक्स करना है। अगर हम लोग चावल को बहुत ज़्यादा पका लेंगे तो इस ऐसे मिक्स करते समय चावल टूट जाएंगे, इसीलिए हम लोग को चावल या तो 75% या 85% ही कुक करना है, उससे ज़्यादा नहीं।
अगर आप पहले से बने हुए चावल का इस्तेमाल कर रहे होगी तो पंखे के नीचे थोड़ी देर खुला छोड़ देना, उसके बाद इस्तेमाल करना। अभी मैंने डाला है विनेगर, मैंने एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल किया है। उसके बाद मैंने डाला है नमक, एप्पल साइडर विनेगर मैंने 2 टीस्पून डाला है। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, क्योंकि सॉसेस में भी नमक रहता है। अभी हाई फ्लेम पे मिक्स करते हुए मैंने लगातार 3 मिनट तक के अच्छे से इसे पका लिया है। 3 मिनट बाद हमारा गोभी चिल्ली फ्राइड राइस बनके रेडी है। अब मैं इसे कर रही हूँ सर्व। आप भी ये टेस्टी यम्मी इंडो चाइनीस चिल्ली गोभी फ्राइड राइस बनाइए। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।